स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैं एकदम बिल्कुल ही फ्रेश और नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक है क्या। तो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। यस स्टूडेंट, आज हम लोग पैसों के बारे में मीन्स अपनी करेंसी नोट्स के बारे में जानेंगे और कॉइन्स नोट्स। देखिए स्टूडेंट, हमारे कॉइन्स और नोट्स होते हैं, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो कॉइन्स और नोट्स में होती है। तो कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, जो हमारे पैसे होते हैं इसे करेंसी कहा जाता है, तो नोट्स में भी होती है और कॉइन्स में भी होती है। और जो हमारे इंडियन पैसे हैं उसे रुपीज में शो करते हैं। ओके, किस में शो करते हैं स्टूडेंट? रुपीज में। ओके, तो RUPEE रुपी, एक वन है तो रुपी और वन से ज्यादा है तो स्टूडेंट हम रुपीज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ऐड हो जाएगा। और अब इसका सिंबल भी है स्टूडेंट, रुपीज का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारे रुपीज का सिंबल है और इसे हम स्पेलिंग में RUPEE लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे कॉइन्स। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर कॉइन्स दिए हुए हैं। तो कॉइन्स किस किस के हैं? फर्स्ट है 1 रुपी कॉइन, यस। सेकंड है 2 रुपीज, थर्ड है 5 रुपीज और फिर फोर्थ है हमारा 10 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट इतने कॉइन्स होते हैं हमारे, 1 रुपीज के होते हैं, 2 रुपीज के होते हैं, 5 रुपीज के होते हैं और 10 रुपीज के होते हैं। ओके, तो इतने हमारे कॉइन्स हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 रुपी मेरे पास, मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए 1 रुपीज लाई भी हूँ आपको। देखिए ये 1 रुपी कॉइन है, इस पे 1 ऐसे लिखा होता है। तो और यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर रुपी का साइन भी है जो कि मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से ऐसे, हाँ। तो ये हमारा रुपीज का साइन है, मीन्स ये न्यू कॉइन है, ये 2015 की है जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये है हमारा 1 रुपी, तो ये 1 रुपी कॉइन हो गया। उसके बाद है हमारा 2 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो देखिए ये हमारा है 2 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे 1 से ज्यादा हो जाता है हम रुपीज कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 रुपीज कॉइन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 लिखा हुआ है और ये है हमारा रुपीज का साइन। तो ये हो गया हमारा 2 रुपीज। अब देखते हैं 5 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो 5 रुपीज ये रहा हमारा 5 रुपीज के कॉइन। ओके, तो ये 5 रुपीज का, यहाँ पर डेट भी स्टूडेंट लिखी होती कि ये कॉइन कब का बना हुआ है, तो 2018 का है। और यहाँ पर रुपीज का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये है हमारे 5 रुपीज का कॉइन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है हमारा 10 रुपीज। ओके, तो ये रहा 10 रुपीज का, सबसे साइज में सबसे बिग होता है 10 रुपीज। तो यहाँ पर रुपीज का साइन है और ये हमारा 10 रुपीज है। ओके स्टूडेंट, तो ये बना है 2019 में जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉइन्स। ओके स्टूडेंट, तो कॉइन्स तो हो गए हैं। अब यहाँ पर रुपीज भी दिए हुए हैं स्टूडेंट। देखिए अभी 1 रुपी तो मोस्टली दिखने को दिए, मतलब दिखाई नहीं, अभी तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो पहले 1 रुपीज कॉइन बहुत हुआ करती थी, तो अब तो कॉइन 1 रुपीज की नोट हुआ करती थी पहले, बट अब तो कॉइन्स ही हमें देखने को मिलती है। तो 1 रुपी के भी नोट्स होते हैं, 2 रुपीज के भी होते थे पहले, अब तो बहुत ही रेयर, मैंने तो देखा ही नहीं है। तो पहले जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में 1 रुपी 2 रुपीज नोट हुआ करते थे, ज्यादा करके 5 रुपीज नोट हुआ करते थे, 10 रुपीज 20 रुपीज। ओके, तो ये सारे नोट्स हैं स्टूडेंट, ये हो गए हमारे नोट्स। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? 1 रुपी 2 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने दिए लिखे स्टूडेंट? 2 रुपीज। ओके, 2 रुपीज है और बट यहाँ पर कॉइन्स दिए हुए हैं, कॉइन्स है 2, तो 2 रुपीज कैसे होंगे स्टूडेंट? अगर हम 1 रुपीज के 2 कॉइन लेंगे तो 2 रुपीज होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। 1 और ये 1, देखिए 1 1, ये हो गए 1 1 रुपीज के 2 कॉइन हमारे। तो देखिए ये 1 रुपीज और ये 1 रुपीज मिलके कितने हो गए स्टूडेंट? 1 एंड 1 2 रुपीज हो गए। तो ये हो गए हमारे 2 रुपीज। ओके, तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा 2 और ये रुपीज। तो इसे मैं साइड में रख लेती हूँ।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितना है स्टूडेंट, 4 रुपीज। तो सपोज स्टूडेंट आप कुछ कोई चीज खरीद रहे हैं 4 रुपीज में, तो आप शॉपकीपर को कितने पैसे देंगे या कितने कॉइन्स देंगे कितने रुपीज के? तो मैं क्या करूंगी, 2 रुपीज के 2 कॉइन दे दूंगी, तो मेरे 4 रुपीज हो जाएंगे। तो देखिए ये 2 रुपीज के 1 कॉइन और ये 2 रुपीज के 1 कॉइन, तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, 4। तो ये हो गया हमारा 4 रुपीज। अब यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, 5 रुपीज। तो 5 रुपीज आप बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं, आप 5 रुपीज के ऐसे कॉइन्स भी दे सकते हैं, या फिर 1 1 रुपीज के 5 5 दे सकते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट ये साइज में बिग है, तो ऐसा नहीं कि ये 2 रुपीज, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये 1 रुपीज ही है, बट पहले कॉइन्स थोड़े बड़े बनते थे, ये पुराने हैं, ये थोड़े पुराने कॉइन हैं, तो जो अभी नए बनते हैं वो साइज में छोटे बनते हैं, तो ये सारे 1 रुपीज है। तो देखिए मेरे 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारे 5 रुपीज। बट यहाँ पे कैसे दिया है, 1 रुपीज के 3 कॉइन्स दिए, देखिए 1 2 3 3 हो गए 1 रुपीज के 3 कॉइन, और एक 1 जो है 2 रुपीज की कॉइन है, तो ये देखिए 2 रुपीज की कॉइन, तो 1 2 3 4 5। ओके तो ये हो गए 5 रुपीज, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं 10 रुपीज। तो 10 रुपीज में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 5 5 रुपीज के 2 कॉइन्स है, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए 5 रुपीज के 2 कॉइन्स है, तो यहाँ पर 5 और 5 कितने हो गए स्टूडेंट, 10 रुपीज हो गए। ओके तो 5 और 5 मिलकर 10 हो जाते हैं, चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, 20 रुपीज। ओके तो 20 रुपीज के लिए हम क्या करेंगे, 10, यहाँ पर 20 दिया, तो ये देखिए ऐसे भी आप दे सकते हैं, 10 रुपीज और 10 रुपीज मिलकर 20 हो जाते हैं, 10 और 10 20। बट यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास 10 रुपीज की नोट अभी फिलहाल तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 5 5 रुपीज के 2 कॉइन्स ले लूंगी। ओके देखिए ये 5, जैसे कि यहाँ पर शो करा ये 5 और ये 5 मिलके कितने हो गए 10 रुपीज, और 1 10 रुपीज, तो 5 5 10 और 10 मिलके 20 हो गए, तो 10 5 15 15 5 20, ये हो गए हमारे पूरे 20 रुपीज। तो यहाँ पर हमारे 2 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज और 20 रुपीज हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर नोट्स भी थे स्टूडेंट, तो 1 2 5 रुपीज के तो नोट्स नहीं है मेरे पास, 10 रुपीज के भी नहीं है, बट आई थिंक मेरे पास 20 रुपीज के है। यस ये देखिए ये रहा 20 रुपीज के नोट, तो ये 20 रुपीज के नोट मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये 20 रुपीज के नोट कुछ इस तरीके से होते हैं। ओके ये रहा 20 रुपीज नोट, तो चलिए यहाँ पर आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कॉइन्स एंड करेंसी का, वो मैंने सिखा दिया है कि कॉइन्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, कितने रुपीस के होते हैं, छोटे छोटे जो अमाउंट है यहाँ पे 2 रुपीस 4 रुपीस 5 10 रुपीस और 20 रुपीस कैसे आपको देने हैं या कैसे बन सकते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे सिखा दिया स्टूडेंट। तो ये बहुत ही ईजी था टॉपिक, तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें नेक्स्ट। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका, अब उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। राइट नोट्स और कॉइन्स, विल यू पे टू बाय गिवन आर्टिकल्स? यस, तो चलिए अब हमने पैसे तो सीख लिए कॉइन्स और नोट्स के बारे में, अब हमें कुछ सामान खरीदना, आर्टिकल्स मीन्स कोई सामान खरीदना है, तो पैसे कैसे देंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आर्टिकल्स का कॉलम है और यहाँ पर प्राइस का कॉलम है और यहाँ पे कॉइन्स और नोट्स दिए, अगर आपके पास कॉइन है तो कॉइन दीजिए, अगर नोट्स है तो नोट्स भी दे सकते हैं, इसलिए दोनों भी लिखा हुआ कॉइन्स और नोट्स दोनों। तो यहाँ पर लिखा है बिस्किट, ओके ये एक बिस्किट का पैकेट है स्टूडेंट, तो वो जो ये जो बिस्किट है वो कितने रुपीज का है, 3 रुपीज का। सपोज आप शॉप में गए और 3 बिस्किट आपने लिया जो कि 3 रुपीज का है, तो आप कैसे दे सकते हैं, तो आप 3 कॉइन्स दे सकते हैं 1 रुपीज के। यस मतलब कि 1 1 रुपीज के अगर आप 3 कॉइन्स देंगे तो हो गए ना 3 रुपीज। यस तो आप उसको लिख सकते हैं कि 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। ओके देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो 1 2 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर एक बुक दी हुई है जो कि 12 रुपीज की है, तो आप 12 रुपीज कैसे देंगे, देखिए एक तो आप ऐसे भी दे सकते हैं 1 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड
2 रुपीज़ 1 कॉइन, ठीक है। तो एक 10 रुपीज़ के नोट दे दोगे और 2 जो है वो 2 रुपीज़ के कॉइन्स दे देंगे, तो बन गया हमारा 12 रुपीज़। चाहे तो आप 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी दे सकते हैं, तो 5 5 10 हो जाएगा और 2 रुपीज़ के कॉइन दे दीजिए। नहीं तो फिर आप 5 5 के 2 तो 10 हो जाएगा, और 1 1 रुपीज़ के 2 कॉइन तो भी ये हो जाएगा 12 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब लास्ट आर्टिकल स्टूडेंट बॉटल। देखिए यहाँ पर कुछ बॉटल्स दी हुई है, तो ये बॉटल कितने की है स्टूडेंट? 18 रुपीज़ की है। ओके, तो 18 रुपीज़ आप कैसे देंगे? तो आप ऐसे दे सकते हैं, 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़, 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। 10 और 5 15 हो गए स्टूडेंट, बचे कितने? 3 रुपीज़। तो 1 2 रुपीज़ के कॉइन दे सकते हैं और 2 1 रुपीज़ के, तो ये हो जाएगा हमारा 18 रुपीज़। ओके, तो चलिए नीचे भी कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइन्स। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया है, यहाँ पे कॉइन्स दिया है और यहाँ पे प्राइस दिया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल है उसका प्राइस दिया हुआ है, आपको बताना नहीं, सिर्फ आपको बताना कि वो कितने पैसे हैं, वो उसका प्राइस यहाँ पे लिखना है। तो ये यहाँ पर कुछ ब्रशेस दिख रहे, कलर सॉरी क्रेयॉन्स हैं, तो इस क्रेयॉन्स का प्राइस, इस क्रेयॉन्स का प्राइस के लिए यहाँ पे 2 5 रुपीज़ के कॉइन्स दिए, मतलब कितने रुपीज़ का हुआ स्टूडेंट ये क्रेयॉन्स? 5 5 10 रुपीज़ का हुआ। तो देखिए यहाँ पर आप रुपीज़ का सिंबल डालेंगे और लिख देंगे 10, ये हो जाएगा ₹10। तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे ₹10। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट काइट। देखिए यहाँ पर काइट की पिक्चर है, तो ये काइट कितने की है? चले चलिए देख लेते हैं। 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ कितने हो गए? 10 रुपीज़, और ये 2 रुपीज़ मिलके हो गए 12 रुपीज़। तो रुपीज़ का सिंबल डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ₹12, मीन्स ये जो काइट है वो 12 रुपीज़ की है। अब लास्ट स्टूडेंट यहाँ पर एक बलून है, अब ये बलून देखते हैं कितने की है। 2 रुपीज़, 2 2 के पूरे 4 कॉइन है, तो 2 2 में 2 प्लस करिए 4, और 2 5 6, आप चाहे तो टेबल भी 2 का पढ़ सकते हो, जैसे कि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो ये 8 रुपीज़ हो गए, बचे कितने? 2 रुपीज़। तो 1 1 रुपीज़ के कॉइन के 2 कॉइन हो गए, तो ये हो गया हमारा टोटल 10 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम प्राइस में लिख देंगे ₹10। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कोई सामान खरीदते हैं या खरीद सकते हैं, कैसे कॉइन देना है आपको, कैसे तो कैसे नोट्स देनी है, कॉइन देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसा भी कुछ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। रीड एंड राइट द आंसर, आपको क्वेश्चन एक दिया है, आपको उसका आंसर दिया है, अब मीन्स लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बंच ऑफ मेथी कॉस्ट 10 रुपीज। सपोज स्टूडेंट आप मार्केट में गए और वहाँ पे एक बंच ऑफ मेथी थी जो कि कितने रुपीस की थी? 10 रुपीस की। हाउ मेनी 5 रुपीस कॉइन आर नीडेड टू पे इट? तो अगर आपके पास 5 रुपीस की कॉइन है तो आप कितने कॉइन देंगे उसको, वो मेथी को खरीदने के लिए, और वो मेथी है 10 रुपीस की, तो 5 रुपीस के 2 कॉइन ना, 5 5 10 हो गया, मींस आप 5 रुपीस के कितने कॉइन्स देंगे स्टूडेंट? 2। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना है 2, बस इतने ही लिखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, अ पेंसिल वॉज बॉट बाय गिविंग 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। क्वेश्चन को अच्छे से समझना स्टूडेंट, कि एक पेंसिल है जो कि खरीदा है, पेंसिल वॉज बॉट बाय, एक पेंसिल खरीदी गई कितने पैसे देके? 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, 2 2 रुपीज के 3 कॉइन्स देके। सो व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ द पेंसिल? तो आप मुझे बताइए वो पेंसिल कितने रुपीज की हुई? एक पेंसिल खरीदने के लिए आपने 3 कॉइन्स दिए 2 2 रुपीज की, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, मतलब वो पेंसिल कितने रुपीज की हुई स्टूडेंट? 6 रुपीज की। तो आप लिख सकते हैं ₹6। ओके, आपको सिंबल भी डालना है। थर्ड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कैंडल इज ₹10। आप सपोज एक शॉप में गए और कैंडल आपने खरीदा, तो कैंडल का प्राइस क्या बताया शॉपकीपर ने? कि वो 10 रुपीज का है। एंड प्राइस ऑफ अ मैच बॉक्स इज ₹1, और उसे जलाने के लिए मैच बॉक्स भी चाहिए, हमें माचिस चाहिए, तो वो मैच बॉक्स जो है वो 1 रुपीज का है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 1 कैंडल एंड 1 मैच बॉक्स। तो टोटल कितना प्राइस आपको स्टूडेंट देना पड़ेगा उस कैंडल और मैच बॉक्स को खरीदने के लिए? तो कैंडल का प्राइस बोला है 10 रुपीज और मैच बॉक्स का बोला है 1 रुपी, तो 10 और 1 मिलके हो जाते हैं ₹11। तो यहाँ पर लिख देंगे ₹11। अब चलते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो टॉपिक है हमारा,
यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा ही था, तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कॉइन्स एंड करेंसी का। अजर बॉट अ नोटबुक बाय गिविंग वन करेंसी नोट ऑफ 10। एक अजर बॉय है, उसने क्या किया, अजर ने क्या खरीदा, एक नोटबुक खरीदी है, कितने पैसे देके, वन करेंसी नोट ऑफ 10। करेंसी मतलब भी स्टूडेंट रुपीज, पैसे ही होते हैं, तो उसने नोट ऑफ 10 रुपीज, उसने 10 रुपीज का एक नोट दिया एंड वन कॉइन ऑफ रुपीज 10। एक उसके पास नोट थी 10 रुपीज की और एक कॉइन थी 10 रुपीज की, तो दोनों भी 10 रुपीज है, बस वो नोट है और ये कॉइन है, लेकिन पैसे तो वही हुए ना, 10 और 10 मिलके कितने हो जाते स्टूडेंट, 20। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, तो पूछ रहा है कि उस नोटबुक का क्या प्राइस होगा, तो यस 10 और 10 कितना प्राइस हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज 20। आई होप स्टूडेंट आपको जो करेंसी और कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर जो है ये बहुत ही छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका कॉइन्स एंड करेंसी का था, तो इसमें ज़्यादा सम नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है वो भी ओवर हो चुका है। मैथ्स सब्जेक्ट का जो भी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, जितने भी चैप्टर्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब पार्ट टू स्टार्ट होगा स्टूडेंट, तो मैं अभी यहाँ पर स्टॉप करूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इंग्लिश वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी आपको, फिर उसके बाद मैथ्स वर्कबुक के बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं सेकेंड सेमेस्टर पे इंग्लिश और मैथ्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती रहे वीडियोस बनाने के लिए, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वीडियो किसी के काम आ रही है, तो मैं और अच्छा ट्राई करूंगी बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।